डाउटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में बच्चों हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, व्यावहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति। फिर उसके बाद हमने निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ा, फिर हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा, देन हमने तल में एक बिंदु आलेखित करना सीखा जबकि उसके हमें निर्देशांक दिए हुए हों। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के। चलिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं एक बार दोहरान की। तो हमें कार्तीय पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रेने दकार्ते जी ने बताया था। और रेने दकार्ते जी ने हमें ये भी बताया था कि अगर कोई बिंदु है, ठीक है, एक आप ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा खींचते हैं, आप एक क्षैतिज संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है, दो तरीके से। तो ये होता है प्लस, इधर ये ऊपर की तरफ प्लस, ठीक है, ये बाईं तरफ माइनस और ये नीचे की तरफ माइनस होता है इस तरीके से, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद अब देखिए ये फर्स्ट जो प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, ये दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसको हम कहते हैं क्षैतिज संख्या रेखा को एक्स अक्ष, ठीक है, और जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। अब क्या है भाई, अगर प्रथम चतुर्थांश में है बिंदु तो दोनों निर्देशांक कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। अगर बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसके निर्देशांक कैसे होंगे, एक्स माइनस का होगा, वाई प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में है तो x कैसा होगा, माइनस का, y कैसा होगा, वो भी माइनस का। चौथे चतुर्थांश में है तो x कैसा होगा, x हो जाएगा आपका प्लस का और y हो जाएगा आपका माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब क्या है भाई, 90 डिग्री का कोण और ये सारी चीजें हो गई। कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 रूप के होते हैं, ठीक है, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक किस रूप के होते हैं, 0, y रूप के होते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। जो मूल बिंदु होता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्यारे बच्चों क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तब हमें ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज ABC के तीन शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के तीन शीर्ष बिंदु आपको दिए हैं, 1, 4 -2, 2 और C है 3, 2 है। वो बोल रहे हैं आलेख कागज पर, आलेख कागज पर मतलब ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को कार्तीय तल में आलेखित कीजिए, इनको आलेखित कीजिए और फिर त्रिभुज ABC का क्या बताइए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, यानी कि उस पर आप क्या दिखाएंगे, उस पर आप ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा जिसे हम बोलते हैं वाई अक्ष, वो हमने दिखा दिया, ठीक है, और फिर हम दिखाएंगे एक्स अक्ष यानी कि क्षैतिज संख्या रेखा, ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज संख्या रेखा जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। अब क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होता है आपका मूल बिंदु 0, 0। अगर बिल्कुल बीचों बीच की बात की जाए तो इसमें होता है मूल बिंदु 0, 0, ठीक है। अब इसके जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो इसके दाईं तरफ चलने पर हमें क्या मिलता है, जब इसके हम दाईं तरफ चलते हैं तो भाई ये हो जाता है आपकी सारी धनात्मक संख्याएं 1, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है, और ऐसे ही ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1, ठीक है, फिर हो जाता है 2, फिर हो जाता है 3, फिर हो जाता है 4, 5 और ये हो गया 6, ठीक है। बाईं तरफ चलते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस का 6, ऐसे ही नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, ठीक है, यहां तक लिख लेते हैं। अब देखिए पहला बिंदु क्या है,
1.4 है, यानी x अक्ष पर 1 और y अक्ष पे 4। ठीक है, तो x अक्ष पर 1 ये रहा और y अक्ष पे 4 ये रहा, इन दोनों की सीध लेनी पड़ेगी ऐसे और ऐसे। तो ये दोनों यहां पर आ रहे हैं भाई, इस जगह पर ये आ रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, 1.4 होगा, ये आपका बिंदु हो जाएगा 1.4। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा जो बिंदु है वो है -2.2, -2.2। तो माइनस का 2.2 का मतलब है एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर 2, एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर 2, यानी कि ये है ना भाई, आप देखो ना इस तरीके से इन दोनों की आप सीध लोगे जब, तो ये यहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा, -2.2। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु आपका बी है। ठीक है, फिर तीसरा जो बिंदु है सी जो है वो दिखाते हैं, 3.2, यानी एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 2, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 2, यानी कि ये जाएगा इधर और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ गए, तो एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 2, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 2। अब क्या करिए, इन तीनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये आपका सी होगा। ठीक है, तो यहाँ ए से सी को भी मिला देते हैं, ठीक है, ए से बी को भी मिला देते हैं, ये हो गया, और यहां से यहां भी इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ये लीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो त्रिभुज बन रहा है, आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई आलेख कागज पर कार्तीय तल में इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, चलो अब क्षेत्रफल बताने के लिए हमारे पास कि कोई भी त्रिभुज है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बताते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, है ना। कोई भी अगर हमारे पास त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे बताया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार कितना है, देखिए आधार यहां पर क्या है, आधार जो है वो है बीसी, आधार क्या है प्यारे बच्चों, बीसी है, आधार बीसी, ये देखो ये वाला आधार ले लो आप, बीसी, बीसी आधार ले लिया और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी ये आपकी एक तरह से ऊंचाई है ये जो है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका बीसी और ऊंचाई क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि ये वाला जो बिंदु है, ये हमने मान लिया कि ये बिंदु एम है ना, ये हमने मान लिया बिंदु एम है, तो क्या हो जाएगा, बीसी गुणा में ए एम हो जाएगा, बीसी गुणा में ए एम। तो बेटा देखो 1/2 बीसी कितना है, ध्यान दीजिए बीसी, देखो ये वाली जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की, ये वाली दूरी कितनी है, दो दूरी है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी है, तीन दूरी है। ध्यान दीजिए इधर जो दूरी है वो दो दूरी है और इधर जो दूरी है वो तीन दूरी है। जो माइनस है, मैं दूरी बोल रहा हूं, मैं निर्देशांक नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं निर्देशांक बोलता तो मैं माइनस का 2 बोलता, लेकिन मैं बोल रहा हूं दूरी, तो दूरी के लिए मैं सिर्फ 2 दूरी बोलूंगा, माइनस 2 नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि दूरी बेटा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये वाली दूरी कितनी है, 2, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 3, तो 2 और 3 कितनी हो गई, 5। तो ये जो बीसी है ये कितनी हो जाएगी, 5 गुणा ए एम, ए एम क्या है, जो ऊंचाई है,
इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? ये तो देखो, ये वाला बिंदु है 2 और ये वाला बिंदु है 4, है ना, ये 2 है ये 4 है, तो ऊंचाई कितनी हुई भाई? जब 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, जब 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। इसका मतलब ये जो ऊंचाई हुई ये ऊंचाई कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 2। अब 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब आपका ये क्षेत्रफल आ जाएगा 5 वर्ग, और क्योंकि ये तो पता नहीं कि आपकी दूरी किस में थी तो इसलिए इकाई आ जाएगा, 5 वर्ग इकाई। हो सकता है ये सेंटीमीटर हो सकता है ये मीटर हो सकता है ये किलोमीटर हो, जो भी हो, तो हमने तो इकाई मान रखा है, अब चाहे जो हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हो, तो 5 वर्ग इकाई ये आ जाएगा आपके त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए 5.3, बी -2.3 तथा डी 5.-4 क्या है? एक वर्ग ए बी सी डी के 3 शीर्ष बिंदु हैं। एक वर्ग है जिसका नाम क्या है? ए बी सी डी, तो उसके 3 शीर्ष आपको दिए हैं ए बी और डी। आगे बोल रहे हैं कि आलेख कागज पर, आलेख कागज पर मतलब ग्राफ पेपर पर, इन बिंदुओं का आलेखन कीजिए तथा शीर्ष सी के निर्देशांक बताइए। सी के निर्देशांक भी बताने, क्योंकि सी के निर्देशांक यहां हमें नहीं दिए हैं तो वो हमें बताने हैं, और उसके बाद वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, फिर हमें ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्षैतिज संख्या रेखा खींचेंगे और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। ये हो गई ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा और बिंदु 5 तक जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज संख्या रेखा। ठीक है, तो ये यहां पर आपने बोल दिया कि भाई ये तो आपका क्या है, एक्स अक्ष है, और ये आपने बोल दिया कि ये क्या है आपका, वाई अक्ष है। ठीक है, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया। बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच में मूल बिंदु 0-0 होता है। जब इसके दाईं ओर चलेंगे तो 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इस तरीके से। बाईं तरफ चलते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी चलते हैं, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ऐसे ही नीचे की तरफ भी ये हो जाएगा आपका -1, फिर ये हो गया -2, -3, -4। ठीक है, और इसको और थोड़ा नीचे बढ़ा लेते हैं, यहां तक रहने देते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका -5। ठीक है, चलिए इतना हमने दिखा दिया। अब क्या है भाई, देखो पहला हमारा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 5.3, यानी एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर कितना, वाई अक्ष पर 3। एक्स अक्ष पर 5 ये रहा और वाई अक्ष पर 3 ये रहा, इन दोनों की सीध ले लेते हैं। ठीक है, और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, ए, ये आपका ए हो जाएगा 5.3, ये ए बिंदु हो गया। उसके बाद अगला दिखाते हैं, अगला है आपका बी जिसके निर्देशांक है -2.3। बी जो है वो है -2, तो ये देखो एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर 3 ही है, तो ऊपर की तरफ ऐसे चलेंगे सीधा बिल्कुल। ठीक है, और यहां से ये देखिए, तो ये यहां पर काट रहे हैं भाई इस जगह पर, तो ये वाला हो जाएगा आपका -2.3 और ये है आपका बिंदु बी, ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला है आपका डी, डी के निर्देशांक क्या है, 5.-4, तो ये कहां पर होगा भाई, 5.-4, यानी एक्स अक्ष पर 5 होगा और वाई अक्ष पर -4, वो होगा नीचे, तो यहां से आप ऐसे चले, ठीक है,
और यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा D, और इसके निर्देशांक है 5, -4। ठीक है, अब हमें इन्होंने ये बोला है कि ये क्या है, ABCD एक वर्ग है, तो आप C के निर्देशांक बताइए। अब आप खुद सोचो बेटा कि जो, क्योंकि ये ABCD एक वर्ग है, तो जितनी दूरी A से B की होगी उतनी ही दूरी A से D की होगी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, और सेम उतनी ही दूरी B से C की होगी, और उतनी ही दूरी C से D की होगी, और उतनी ही दूरी D से A की होगी, चारों दूरियां बराबर बराबर होंगी। अब जरा ध्यान दो कि A से B की दूरी कितनी है, A से B की दूरी देखो कितनी है, वही तो वर्ग की भुजा है। तो देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ये वाली जो दूरी है बेटा, देखो ये 0 से लेके 2 तक की दूरी है ना भाई, ये वाली दूरी तो कितनी है, नीचे आए तो यानी कि ये तो 2 दूरी है, और ये देखो फिर यहां से लेके यहां तक, ये देखिए भाई यहां से इस बिंदु से लेके इस ए बिंदु तक कितनी दूरी है, ये 0 से लेके 5 तक, तो इधर वाली लेफ्ट वाली जो दूरी है वो 2 दूरी है, राइट वाली जो दूरी है वो 5 दूरी है, तो 2 और 5 कितनी हो गई बताओ, ए बी कितनी हो जाएगी, 2 + 5 यानी कि 7 वर्ग 7 इकाई। ठीक है, 7 इकाई है, 7 इकाई है, और ए बी क्या है, वर्ग की भुजा है ना, ए बी वर्ग की भुजा है, तो भाई जो बी से लेके जो सी बिंदु होगा उसकी भुजा की लंबाई भी तो कितनी होगी, 7 होगी, है ना। अब आप खुद देखो बी यहां से शुरू हो रहा है, तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ रही है, ये जो आपका एक्स अक्ष है, तो इस एक्स अक्ष से इस बी बिंदु तक की दूरी कितनी है, ये देखो 3 दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 है, तो हमें टोटल कितनी चाहिए, 7 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इसका यहां नीचे परावर्तन निकालना है। ठीक है ना, परावर्तन भी नहीं निकालना, बल्कि देखो ये 3 दूरी ऊपर हो गई, टोटल 7 दूरी चाहिए, तो 7 में से 3 घटाया तो कितना आया, 4, है ना। तो देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कितनी है, 3 दूरी है, अब इसको नीचे की तरफ जब पूरा करेंगे तो 4 दूरी तक जाएंगे, यानी यहां तक जाएंगे इस बिंदु तक, ये इस बिंदु तक जाएंगे, तो 3 दूरी यहां से यहां तक हो गई और 4 दूरी यहां से लेके यहां तक हो गई, और इसको फिर यहां से ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो अगर आप यहां से एक्स अक्ष पर आते हो तो इसका निर्देशांक क्या है, -2, ये तो है -2, और अगर आप यहां से वाई अक्ष पर जाते हो तो इसका निर्देशांक क्या है, -4, तो -2, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और अब आप क्या कर सकते हो, सी और डी को मिला सकते हो, ये लीजिए सी और डी को मैंने मिला दिया, और फिर क्या करिए ए से डी को भी मिला दीजिए, ए से डी को भी मिला दिया, तो इस प्रकार से आपका जो वर्ग है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, ए बी सी डी आपका क्या है, एक वर्ग है। अब इस ए बी सी डी का आपको वर्ग का क्षेत्रफल भी बताना है, और हमें सी बिंदु के निर्देशांक बताने थे, वो तो हमने बता दिए। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ भाई, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो भी वर्ग की भुजा होती है उस भुजा का क्या कर दिया जाता है, वर्ग, यानी कि ए बी भुजा है तो ए बी की गुणा किससे कर दोगे, ए बी से ही कर दोगे भाई, ए बी वर्ग की भुजा है तो ए बी की ए बी से गुणा कर दो, ए बी कितनी है, 7 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 7 = 49, 49 वर्ग इकाई। ठीक है, 7 × 7 = 49, 49 वर्ग इकाई जो है वो आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी भी बच्चे को, तो देखो बिंदु आपको कैसे आलेखित करने हैं वो आपने सीखा, फिर उसका
क्षेत्रफल कैसे निकालना है उस आकृति का, वो भी आप लोगों ने सीख लिया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में निम्न बिंदुओं को क्या करिए, आलेखित कीजिए। पहले कार्तीय तल में इन बिंदुओं को आलेखित करना है। क्या बोला जा रहा है? ए 4.0, बी 0.-2 और सी -4.0 को आलेखित कीजिए। अब बिंदु डी इस प्रकार आलेखित कीजिए कि ए बी सी डी क्या बन जाए, एक सम चतुर्भुज हो जाए। ए बी सी डी क्या हो जाए, एक सम चतुर्भुज हो जाए। फिर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर अपनी जो है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा खींची, जिसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। और एक हमने जो है यहां पर क्षैतिज संख्या रेखा भी खींच दी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज संख्या रेखा, जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। अब यहां पर आपको बिंदु लेने हैं, तो बिंदु बड़े ध्यान से देखिए, ये बीचों बीच में होगा आपका मूल बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु 0, 0। फिर इसके बाद यहां पर हमने ले लिया एक, फिर ये हो गया आपका 2, फिर ये हो गया आपका 3, फिर ये हो गया आपका 4, ठीक है। ऐसे ही बाई तरफ भी चलते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा आपका -2, फिर ये हो जाएगा आपका -3, फिर ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3, और फिर ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ भी लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद देखो, इन्होंने पहला बिंदु बोला है ए 4.0, तो ये कहां पर होगा भाई, इसका वाई निर्देशांक 0 है, यानी ये बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। 4.0 यानी कि देखो, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला बिंदु होगा आपका 4.0, 4.0, ये हो गया आपका बिंदु ए, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है बी 0.-2, एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर -2, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर -2, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए आपके, 0.-2, और ये है आपका बी बिंदु, ये बी बिंदु हो गया। फिर अगला देखते हैं, सी बिंदु के निर्देशांक क्या है, -4.0। देखो, इसका वाई निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर होगा, है ना। तो अब आप ये देखो कि एक्स निर्देशांक है -4 और वाई निर्देशांक है 0, यानी ये वाला होगा, ये, ठीक है। अब यहां से आपने देखा कि इसके निर्देशांक क्या है, -4.0, और ये है आपका सी बिंदु, ओके। अब आपको यहां पर केवल ए दिखा दिया, बी दिखा दिया, सी दिखा दिया। अब आपको एक बिंदु और दिखाना है, जो कि क्या होगा, डी बिंदु होगा, जो कि आपका क्या है, डी बिंदु। उन्होंने कहा है कि डी इस प्रकार आलेखित कीजिए, किस प्रकार आलेखित कीजिए, कि ए बी सी डी क्या बन जाए, एक सम चतुर्भुज बन जाए। बेटा, सम चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो वो तो हमें दिख भी रहा है। अब देखो, अगर ए और सी को देखा जाए तो ए सी आपका एक तरह से विकर्ण होगा, और बी और डी को देखा जाए तो वो भी क्या होगा, एक तरह से आपका विकर्ण होगा। और दूसरी बात, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, वो समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर दूरी। अब देखो, यहां पर काट रहे हैं ये दोनों विकर्ण, एक तरह से मूल बिंदु पर काट रहे हैं ना दोनों विकर्ण, तो जितनी दूरी यहां मूल बिंदु से बी बिंदु की है, उतनी ही दूरी तो यहां से ऊपर डी बिंदु की होगी।
अब देखो यहां पर ये माइनस दो है, तो यहां पर ये क्या होगा, प्लस का दो होगा। भाई जिस बिंदु पर दोनों जो है विकर्ण काट रहे हैं, तो उस बिंदु से बी बिंदु की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी मान लो ये ओ बिंदु है, ये मान लो ओ बिंदु है जहां पर विकर्ण काट रहे हैं, तो ओ से बी की जो दूरी है वही दूरी तो ओ से किसकी होगी, डी की होगी, वही दूरी तो ओ से डी की होगी। और डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, डी के निर्देशांक होंगे आपका एक्स निर्देशांक तो जीरो और वाई निर्देशांक हो जाएगा दो, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है ये बिंदु। अब आप ए से डी, बी से सी और इन सबको मिला दीजिए, इन सबको मिला देते हैं देखो, तो क्या होगा भाई, यहां से यहां मिला दिया, ये लीजिए इस तरीके से मैंने मिला दिया, फिर क्या है, अब यहां इसे डी से ए को मिला दीजिए, ये मिला दिया, और फिर ऐसे ही किसको मिला देते हैं, ये बी सी को भी मिला देते हैं, ये मिला दिया, और ऐसे ही फिर ए से बी को मिला दो, ये लीजिए, तो आपको यहां पर समचतुर्भुज जो है वो दिखाई दे रहा होगा, समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण कितने डिग्री पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ये समचतुर्भुज है, जितनी दूरी यहां से यहां होगी उतनी ही दूरी यहां से यहां होगी, उतनी ही दूरी यहां से यहां होगी और उतनी ही दूरी यहां से यहां होगी। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए, अगर मैं किसी एक त्रिभुज का, यहां देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये होता है एक बटे दो पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 1/2 d1 × d2, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये वाली जो दूरी है पहले विकर्ण की, पहले विकर्ण की लंबाई देखी जाए तो ये है बी से डी, और दूसरे विकर्ण की लंबाई देखी जाए तो वो कहां से कहां तक है, ए से सी, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, यहां पे हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है एक बटे दो डी वन गुणा डी टू। अब ये डी वन और डी टू क्या है बेटा, डी वन है पहला विकर्ण और डी टू है दूसरा विकर्ण, एक बटे दो डी वन गुणा डी टू, ये आता कैसे है, आप जानते हैं कि अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो एक बटे दो क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार होगा ये, ऊंचाई होगी ये, है ना, ऐसे ही इसका भी क्षेत्रफल, तो जैसा ये वैसी ये, तो ये दो हो जाएंगे और ऐसे ही दो ये भी होंगे, ठीक है, ये चीज है, तो एक बटे दो डी वन गुणा डी टू ये आ गया। अब यहां पर आप देखिए कि क्या हो जाएगा भाई, एक बटे दो पहला विकर्ण कितना है, एक बटे दो पहला विकर्ण, पहला विकर्ण बताओ कितना है, देखो पहला विकर्ण है ए से सी, तो आप यहां पे लिख सकते हो ए सी गुणा बी डी, ए सी गुणा बी डी, तो ये हो जाएगा एक बटे दो गुणा ए सी कितना है, देखो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, चार है, तो भाई ये भी तो क्या होगी, ये भी तो चार ही होगी, चार और चार कितनी हो जाएगी, आठ, ये हो गई आठ गुणा बी डी कितनी है, देखिए ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ओ बी वो कितनी है, दो, तो यही नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी हो जाएगी दो, यानी दो और दो कितनी हो गई, चार, तो देखो दो एकम दो और ये हो जाएगा आपका दो चौक आठ, तो चार चौक कितना आ गया, सोलह, सोलह वर्ग इकाई कितना आ गया भाई, सोलह वर्ग इकाई आ जाएगा, सोलह वर्ग इकाई। सम चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं बेटा वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो सम चतुर्भुज की भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तो ये चीज है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 16 वर्ग इकाई आ जाएगा।
और आप चाहें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, वही इसका भी होगा क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और 4 × 2, तो 2 से 2 कटेगा, 4, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, फिर ऐसे ही 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 × 4 = 16। बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सबको, सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु P A, B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि जो इसकी कोटि है वो भुज का दुगना है। कोटि क्या है, भुज की दुगनी है, और कह रहे हैं तथा निर्देशांकों का योग कितना है, -12 है। जो भुज होता है, अब आप देखो, अब यहां पे मैंने बताया था किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले उसका x निर्देशांक लिखा जाता है, फिर उसका y निर्देशांक लिखा जाता है, यही बताया था मैंने आपको। यहां बिंदु P के निर्देशांक में पहले कौन लिखा है, A, फिर कौन लिखा है, B। तो भाई इसमें A आपका क्या है, A है बिंदु का भुज, क्योंकि x निर्देशांक जो होता है वो बिंदु का भुज होता है, और B जो है वो क्या है, बिंदु की कोटि। B क्या है, बिंदु की कोटि है। अब देखिए यहां पर इन्होंने ये भी बोला है कि जो बिंदु का भुज है, भुज कौन है, भुज है बेटा A। तो ये जो भुज है, सॉरी जो कोटि है वो भुज का दुगना है। ये जो कोटि है ना, यानी कि B जो है ये किसका दुगना है, ये A का दुगना है। B किसका दुगना है, A का दुगना है, तो B बराबर क्या हो गया, 2A हो गया। सही है। अच्छा उन्होंने बोला है निर्देशांकों का योग कितना है, -12। अब निर्देशांक है क्या, A और B, तो अगर मैं A और B को जोड़ता हूं, A+B, तो A+B कितना आता है, -12 आता है। निर्देशांकों को अगर जोड़ा जाए तो A+B कितना आता है, -12। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए कि B का मान कितना है, 2A, तो इस B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A तो है ही है, B की जगह पे मैंने लिख दिया 2A बराबर कितना, 12। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3A, 3A बराबर 12, यानी A बराबर कितना हो गया, 3 × 3, 3 × 4 = 12, A बराबर आ गया आपके पास 4, A बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब A बराबर अगर 4 है तो बताओ B बराबर कितना होगा, यहां पे रख दो मान, B बराबर हो जाएगा 2 × A, A का मान 4, 2 × 8। तो उन्होंने बोला था कि PA, B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पता चल गया, A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, तो इसका मतलब वो जो बिंदु P है उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, पहले A यानी कि 4, और फिर B यानी कि कितना, 8, तो 4, 8 ये हो जाएगा वो बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लो ऐसे आसानी से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको। चलिए और अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्विज। तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिंदु जो है किस चतुर्थांश में होगा यदि उसका भुज 2 है और कोटि जो है वो -3 है। भुज 2 कोटि -3, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 3, 6 का वाई अक्ष में परावर्तन होगा। बेटा परावर्तन का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब। चलिए डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहला था बिंदु किस चतुर्थांश में होगा अगर भुज कितना है, 2। तो बेटा देखो भुज क्या है, 2, यानी कि ये x है, x कैसा है, प्लस का। कोटि कितनी है, -3, यानी ये y है, और y कैसा है, माइनस का। अब मुझे बताओ x प्लस का, y माइनस का, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ध्यान दीजिए ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो x है प्लस और y है माइनस,
एक्स कैसा है प्लस और वाई कैसा है माइनस, चौथे चतुर्थांश में होगा, एक्स प्लस वाई माइनस यानी कि चौथे चतुर्थांश में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या बोला जा रहा है, वाई अक्ष में परावर्तन होगा। भाई देखो ये है आपका वाई अक्ष और आपका बिंदु कहां पर है, बिंदु है आपका 3.6, तो यानी कि ये लगभग 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लगभग यहां कहीं पर होगा, इस जगह पर होगा ये वाला बिंदु 3.6, तो इसका परावर्तन मुझे यहां देखना है। उन्होंने बोला है वाई अक्ष में परावर्तन, ये है ना वाई अक्ष, तो आप ऐसे रखोगे दर्पण को, शीशे को ऐसे रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां आएगा, इधर यानी कि लेफ्ट साइड में आएगा। तो अगर यहां पर ये 3.6 है और जब आप इसको बाई तरफ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, एक्स कैसा हो जाएगा माइनस का 3 और वाई कैसा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कैसा हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और वाई 6 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें एक्स माइनस का रहेगा वाई प्लस का रहेगा, तो यानी कि माइनस के 3.6, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हमने सीखा क्या, अभ्यास प्रश्न, और आज का होमवर्क आपको ऐप पर दे दिया गया है, जाकर के कर लिख सकते हैं।